और सुल्तानपुर से जहाँ ठेका प्रथा बंद करने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी मुखर हो गए हैं। सफाई कर्मचारी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तर्ज पर सफाई कर्मचारी न्याय यात्रा निकालने की बात कही है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को सफाई कर्मचारियों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और एक मांग पर पीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बताते चले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सोमवार को प्रदर्शन करते हुए सफाई कर्मी कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ आरडीएम के माध्यम से एसडीएम को राष्ट्रीय सफाई आयोग के अध्यक्ष ने 8 सूत्रीय ज्ञापन दिया। महासंघ के अध्यक्ष बब्बू चौधरी टाइगर ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 12 जनवरी को संघ के सदस्यों ने राष्ट्रीय सफाई आयोग के अध्यक्ष को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था, जिसमें प्रमुख मांग थी कि ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए, सफाई कर्मियों के राज्य कर्मी का दर्जा मिले। लेकिन एक महीने बीत गए, अभी तक राष्ट्रीय सफाई आयोग ने दिए गए ज्ञापन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए मजबूरन आज एक महीने बीत जाने के बाद स्मरण पत्र ज्ञापन के रूप में देना पड़ रहा। मोदी जी, ये 12 जनवरी को हम लोग संपूर्ण भारत देश में ठेका प्रथा बंद करो का आह्वान के तहत राष्ट्रीय सफाई आयोग द्वारा प्रधानमंत्री को 8 सूत्री मांग दिया गया था सफाई कर्मचारी समस्याओं के संबंध में दिल्ली जंतर मंतर से। लेकिन अभी तक कोई भी हमारे मांगों पर शासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई। अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा ये होगा कि ये लास्ट मांग है, अगर इस पे हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारी मांग पे ध्यान नहीं दिया गया, ठेका प्रथा पे बंद नहीं हुआ, तो मजबूरन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ संपूर्ण भारत देश में सफाई कर्मचारी न्याय यात्रा चालू करेगा और उसके बाद सफाई का काम बंद करा के आंदोलन करेगा। देखिए, ठेकेदारी में समस्या क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर शासन कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे देता है, उसके बाद ठेका जो होता है वहीं से कर्मचारियों को नौकरी रखने के लिए 5,000-6,000 रुपये रिश्वत लेता है, उसके बाद साल भर इनका ईपीएफ काटा जाता है 1200 रुपये के हिसाब से। जब कर्मचारी ईपीएफ मांगने जाता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, कहते हैं नेतागिरी कर रहे हो। अब बताइए, कर्मचारी भविष्य निधि इसलिए शासन ने गठन किया था कि ये अपने कमाई का एक हिस्सा खाते में जमा करेंगे, कल की इनकी लड़की की शादी होगी, कल के इनका एक्सीडेंट हो जाए या बीमार हो जाए तो वो पैसा निकाल ले। लेकिन 1200 के हिसाब से 300 कर्मचारियों का कम से कम हो जाता है 10-12 लाख हो जाता है एक साल का। तो ऐसे ऐसे मामले पर पूरा पैसा खा लिया जाता है। अभी नगर निगम लखनऊ में 150 करोड़ रुपए का ईपीएफ का घोटाला हुआ सफाई मजदूरों का, झांसी में 43 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन शासन प्रशासन को जब सूचना दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं करते और ठेकेदारों को बुलाकर अपना हिस्सा मांग लेते हैं। तो हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का शोषण हो रहा है। हमारा पहला मांग है ठेका प्रथा बंद करके सम्मान्य काम सम्मान वेतन को लागू किया जाए। ठेकेदारी बंद होगी तो कौन सा मतलब क्या राज्य कर्मचारी जी राज्य कर्मचारी दर्जा दिया जाए इनको।